3, 2, 1. अजमेर जिले में पिछले 24 घंटे में 63 कोरोना पॉजिटिव मामले अभी तक आए सामने, CMHO डॉक्टर के सोनी ने दी जानकारी। वहीं जेलन हॉस्पिटल में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए भर्ती। एक तोपदड़ा से, एक बोपो का बाड़ा से, एक लाखन कोटड़ी से, एक मेड़ता सिटी से, एक गुगरा से, वे एक किशनगढ़ से अभी तक जेलन हॉस्पिटल में हुए भर्ती मरीज। डॉक्टर संजीव महेश्वरी ने की पुष्टि। देखिए, अभी जो आज का जेलन की जहाँ तक बात करते हैं, हमारे पास 6 नए पेशेंट कोरोना के भर्ती हुए हैं और 6 में से 2 पेशेंट को हम सीरियस मानेंगे क्योंकि दोनों को बाईपैप ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। 4 पेशेंट रिलेटिव स्टेबल हैं लेकिन फिर भी हम उनकी जांच कर रहे हैं क्योंकि चारों के 6 जो पेशेंट भर्ती हुए हैं उनमें से एक के अलावा बाकी 5 पेशेंट जो बुजुर्गवार हैं। हमारा पुराना एक्सपीरियंस ये कहता है कि जितने भी उम्रदराज लोग हैं या जिनको कोई ना कोई कोमोरबिडिटी है, उन सबको कुछ नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू यंग पर्सन के, इसलिए हमने उनको भर्ती किया है। भर्ती करके उनको एवेल्यूएट करेंगे, कुछ बीमारी खास नहीं होगी तो उनको कोविड केयर सेंटर में या अगर उनके घर पर व्यवस्था होगी तो उनको होम आइसोलेट कर देंगे। और जहाँ तक कोरोना पॉजिटिव के पुराने पेशेंट की बात है, उसमें अभी भी हमारे 4 पेशेंट बाईपैप पर हैं, वेंटिलेटर पर हमारा कोई नहीं है पेशेंट, लेकिन 2 पेशेंट बाईपैप के उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। 7-8 पेशेंट हमारे ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट में। सस्पेक्ट पेशेंट में भी हमारे पास में 11 पेशेंट हैं, 11 में से 2 पेशेंट बाईपैप पे हैं, 4 पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं और लेकिन रिपोर्टें हमारी बहुत जल्दी जल्दी आ रही हैं, करीब करीब 24 घंटे हमारी रिपोर्ट आ रही है, तो हमारा टर्नओवर रिलेटिवली पहले से फास्ट हो गया है। सर, रिपोर्टों में आजकल ज़्यादा आंकड़े आ रहे हैं तो पब्लिक में का बात भय की नहीं है, बात समझने की है। जैसे जैसे नंबर ऑफ टेस्टिंग बढ़ेगी, रिपोर्टिंग तो पॉजिटिविटी बढ़ेगी, ये तो जेन्युइन सी बात है। अब तक का जो था वो लोग मतलब जो बीमार थे वो छुपे हुए थे, अब उनकी चूँकि जाँच हो रही है इसलिए उनकी पॉजिटिविटी पकड़ में आ रही है, लेकिन ईश्वर की दया से उन पॉजिटिविटी में से जो नुकसान वाली जो दर है वो उतनी ज़्यादा नहीं है। पेशेंट जो हैं वो स्टेबल हैं, ठीक हैं, ऐसे कोई खतरे वाली बात नहीं है, पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो इसमें ये डर के बजाय डरने के हमें समझना पड़ेगा कि पॉजिटिविटी बढ़ क्यों रही है। पॉजिटिविटी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम अनप्रोटेक्टेड कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं। अनप्रोटेक्टेड का मतलब बिना मास्क के एक दूसरे से बातें करते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, बैठे रहते हैं, मास्क उतारते हैं, चढ़ाते हैं, कभी मास्क पर हाथ लगा लिया, कभी नाक आँख मुँह पर हाथ लगा लिया। इस चीज़ को हमने मजाक से समझ रखा है। भगवान करे इस चीज़, भगवान के लिए इस चीज़ को मजाक में समझें, इसको सीरियसली लें। ये बीमारी खतरनाक दो तरीके से है। पहला, इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसकी इन्फेक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि घर में अगर एक पेशेंट को हुआ तो घर के करीब करीब सब लोग इसमें अफेक्ट हो गए। और दूसरा, जो लोग उम्रदराज हैं जिनको कोई कोमोरबिडिटी है, विशेष रूप से डायबिटीज़ है, उनको नुकसान होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो ये दो बातों का ध्यान रखते हुए मेहरबानी करके ये 2-4-6 महीने, अगले मुझे नहीं पता कब तक, लेकिन फिर भी अगर हमारे मास्क को हम अपने कल्चर में लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हमारी भाषा में लेंगे, हमारे व्यवहार में लेंगे, हम इस बीमारी से बच पाएंगे। सर, मास्क लगाने से आजकल पहले जो ज़्यादा सर्दी जुकाम के मामले आते थे वो कम हुए हो सकता है, हालांकि कोई हमने इस बारे में कोई रिसर्च नहीं करी है, स्टडी नहीं करी है, लेकिन ये जो जुकाम है ना, ये जुकाम भी किस तरीके से होता है, जुकाम भी ऐसी बेसिकली एरोसॉल इन्फेक्शन है। एरोसॉल इन्फेक्शन मतलब नाक से और मुंह से जो शरीर में जाता है, तो वो भी बेसिकली वर्ड जुकाम है। जुकाम इज ऑल्सो वायरल इन्फेक्शन। हर साल हर बार हर लोगों को जुकाम होता है, एक पर्टिकुलर सीजन में होता है। क्या हुआ, सब वायरल हो गया और 2-4-5 दिन दवा ली, ठीक हो गया, न भी दवा लेंगे तो भी ठीक हो जाएगा। तो निश्चित रूप से जो मास्क लगाने से आपका ऑब्जर्वेशन सही हो सकता है, हालांकि हमने बहुत ज़्यादा अभी इसको ऑब्जर्व नहीं किया, जुकाम का भी फ्रेंकली स्पीकिंग इतना सीजन भी नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि अगर हम मास्क यूज़ करेंगे तो जुकाम का इंसिडेंस। भारतीय मजदूर संघ रोडवेज अजमेर द्वारा सरकार जगाओ क्षमता प्रारंभ किया। आज सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए केंद्रीय व राज्य सरकार पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर पर सरकार के तहत प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन प्रेषित किया गया।
और मुख्य रूप से मांग की है कि श्रम कानून में जो केंद्र और राज्य सरकार परिवर्तन कर रही है उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाएं और राजस्थान रोडवेज में जो नीचे करने की साजिश रची जा रही है वह सेवानिवृत्त कर्मियों को माह जून 2016 के पश्चात भुगतान नहीं हुआ है वह भुगतान करे, साथ ही नई भर्ती वे नई बसों की सरकार रोडवे प्रशासन को अनुमति प्रदान करे और अवैध रूप से या बिना परमिट के जो प्राइवेट वाहन चल रहे हैं उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाएं। भारतीय मजदूर संघ दिनांक 24 से 30 जुलाई तक सरकार जगाओ सप्ताह प्रारंभ किया है। उसी कड़ी में आज पूरे राष्ट्र में रोडवेज और विद्युत का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें प्रमुख रूप से हमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मांगे हैं। केंद्र सरकार से हमारी प्रमुख रूप से ये मांग है कि हाल ही में जो इन्होंने श्रम कानूनों में परिवर्तन किया है उसे वापस लेवें, कारण कि श्रम कानूनों में ऐसे प्रावधान इन्होंने लागू करे हैं कि वर्कर जो है न्यायालय जा नहीं सकता, सेठ की प्रशासन के जब मालिक हो उसे नौकरी से निकाल देगा। इन सब का भारतीय मजदूर संघ ने विरोध करा है और जहाँ तक राज्य सरकार की मांग है कि राजस्थान रोडवेज में कार्यरत जितने भी सेवानिवृत्त कर्मचारी हुए हैं उन्हें माह जून 2016 के बाद अभी तक ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं हुआ है, नई बसों की खरीद रोडवेज का निजीकरण नहीं हो। इन सब मांगों को लेकर आज राजस्थान परिवहन निगम संयुक्त कर्मचारी फेडरेशन द्वारा केंद्रीय बस स्टैंड अजमेर पर विरोध आंदोलन करके विरोध प्रकट किया। भोलानाथ आचार्य प्रदेश उपाध्यक्ष एवं संभाग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ। राज्य में सरकार की उठापटक को लेकर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को कांग्रेस ने भाजपा को सरकार गिराने का षड्यंत्र बताया है। इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी प्रदेशव्यापी आह्वान पर शनिवार को जिला मुख्यालय पर कलेक्टर के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि सचिन पायलट के प्रदेशाध्यक्ष पद से बर्खास्त किए जाने के बाद कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विजय जैन नजर नहीं आए। कांग्रेस के नए कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह टोडासरा की ओर से सभी इकाइयां भंग करने के बाद प्रदर्शन के नेतृत्व को लेकर स्थिति बनी हुई है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित भाटी ने बताया कि भाजपा प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। वहीं पूर्व विधायक गोपाल भाईती ने बताया कि यह प्रदर्शन राजस्थान की कांग्रेस सरकार को भाजपा द्वारा लोकतंत्र को कमजोर करने की साजिश के विरोध में है। इधर इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए गहलोत समर्थक कांग्रेसी जुट गए हैं। वहीं अजमेर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के भी कार्यकर्ता पर काफी असर है। ऐसे में उनके समर्थक इस विरोध प्रदर्शन से दूरी बनाए रखी है। हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय
मोदी जी आप आ जाओ तो पांच हजार से आगे बैठो विधायक आप आ जाओ तो पांच हजार से आगे बैठो विधायक सचिव पीछे राजस्थान में कांग्रेस की केंद्र सरकार को अस्थिर करने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है उसके विरोध में ये जन आक्रोश का प्रदर्शन है कि राजस्थान में गहलोत साहब जी बहुमत की सरकार है उसे पूरा काम करने दिया जाए और विधानसभा सत्र बुला करके शीघ्र से शीघ्र उनको अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दें। जब मुख्यमंत्री खुद बार बार कह चुके हैं कि बहुमत हमारा है फिर इनको डर किस बात का। मैं हमने ज्ञापन में मांग करी है कि गवर्नर साहब जल्दी बुलाए सत्र को और नहीं तो जनता इस आंदोलन को गांव ढंग से ले जाए। देखो मैं हंगामू क्यों कर रहा हूँ क्या चुनौती सरकार है जिन्हें कुछ लोग कांग्रेस में घुसर फरोखत कर जिला बचा हुआ है बाकी खिलाफ प्रदर्शन है वो और बीजेपी सरकार भी शामिल होगी है बाकी खिलाफ मेरा ज्ञापन दबाया तो आपने वो राज्यपाल सत्र बुलाया और कांग्रेस को बहुमत बहुमत तैयार है सब जलोद के पास मौजूद है सदन बुलावे कांग्रेस को राजी आलसी आके बयान को नारा होना चाहिए अभी अभी तो नारा बोलना अपन को अशोक जी तुम संघर्ष स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद संविधान को भी मानने से इनकार करना बहुत असंवैधानिक कृत्य है जो राजस्थान के राज्यपाल महोदय के द्वारा नरेंद्र मोदी अमित शाह और भाजपा के नेतृत्व के इशारे के ऊपर किया गया ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। 70 साल के अंदर जो नहीं हुआ वो आज राजस्थान के अंदर हो रहा है सिर्फ किस लिए कि एक चुनी हुई सरकार को गैर लोकतांत्रिक तरीके से हटाया जा सके। सब जान रहे हैं जिस तरीके से टेप सामने आए हैं जिस तरीके आरोप और प्रत्यारोप लग रहे हैं एसओजी जिस तरीके से जांच कर रही है कि 30-35-35-35 करोड़ रुपए दे करके जो है प्रलोभन दिया जा रहा है विधायकों को और उनके दल बदल कराया जा रहा है। तो हमने राज्यपाल महोदय ने संविधान के अनुच्छेद 174 के खिलाफ जाकर के जो कार्रवाई की है जो मनमाना रुख अख्तियार किया है उसकी सद्बुद्धि के लिए और उसके विरोध के लिए पूरे राजस्थान के जिला मुख्यालयों के ऊपर कांग्रेस दल के द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम पर ज्ञापन पायलट समर्थन में आज पूरे समाज ने उबड़ा के देवरा पर मीटिंग कर अशोक गहलोत का पुतला जलाया। जिस तरह से पायलट के ऊपर अशोक गहलोत बयानबाजी कर रहे हैं तो गुर्जर समाज के होते हुए सभी गुर्जर समाज के लोग सचिन पायलट के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर अशोक गहलोत मुर्दाबाद के नारे लगाकर फूंका। आज हमारी गुर्जर समाज की मीटिंग हुई उबड़ा का देवनारायण मंदिर पे।
वो जो कांग्रेस पार्टी में जो आपसी मुख्यमंत्री एवं सचिन जी के जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को मैटर में हमारी समाज की मीटिंग हुई है। हमारी समाज का यह कहना है कि सचिन पायलट साहब ने जो कांग्रेस पार्टी की 21 सीटों से लेकर 101 सीट का जो बहुमत दिलवाया वो उनकी मेहनत थी और सर्व समाज का सहयोग पायलट साहब के साथ था। 36 जात का था, सब धर्मों का था और इसको देखते हुए माननीय अशोक गहलोत साहब ने जो उनके वादे किए गए आम पब्लिक में चुनावों के टाइम में जो पायलट साहब ने वादे किए उस वादों को नहीं निभाना और उनके 1.5 साल में माननीय गहलोत साहब ने उनके कार्यकर्ताओं को मतलब काम नहीं करना, उनके चाहते हुए किसी का काम नहीं होने देना और उसके बाद ये विद्या जो बढ़ते बढ़ते इस स्थिति पे पहुंच गई, उसके बाद भी पायलट साहब ने कुछ भी उनकी तरफ से कोई भी वह शब्द नहीं बोला और गहलोत साहब ने ये शब्द पायलट साहब के खिलाफ जो बोले हैं उनको लेकर गुर्जर समाज में नहीं पूरी समाज में 36 समाज में युवाओं में आक्रोश है कि गहलोत साहब ने पायलट साहब के जो खिलाफ जो ये बयान दिए हैं। तो ये हमारे समाज ने निर्णय लिया है कि भाई कोई भी अगर आने वाले टाइम में पायलट साहब के खिलाफ कोई भी अगर जाएंगे, चाहे वो कोई भी नेता हो, पंच हो, पटेल हो, अगर पायलट साहब के जो खिलाफ जाएंगे उनको हम हमारे क्षेत्रों में घुसने नहीं देंगे, उनका विरोध करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अखिल भारतीय गुर्जर अध्यक्ष हरचंद खटाना, स्वाई बोध मंदिर पुष्कर। अजमेर जिला SP कार्यालय पर आज एक दुष्कर्म पीड़िता न्याय की गुहार लगाने पहुंच। पीड़िता ने बताया कि उसके साथ सद्दाम नामक युवक ने अपने साथियों की मदद से दुष्कर्म किया था, जिनके विरुद्ध क्षेत्रीय थाना किशनगंज में मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद धारा 164 के बयान भी दर्ज कर लिए गए, लेकिन उसके बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। पीड़िता ने बताया कि SP से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी करने की मांग करने आई है। जी बताओ क्या हुआ, क्या हुआ था आपके साथ? 10 दिन हो गए रिपोर्ट करे हुए, सब उनको बयान हुए कोर्ट में, कोर्ट में बयान 10 दिन हो गए, उनको व्यवस्था नहीं कर रहे और वो धमकी दे रहे। कहाँ पर मामला बताया था? मामला पूरा पूछो, क्या हुआ, क्या मामला था, पूरी बात बताओ। मामला मेरी भूर का था। इस मामले को लेकर आपने शिकायत करी? कौन से थाने में? किशनगंज थाने। क्या बोल रहे हो, क्या कहा आपको? कौन से थाने का मामला है, कौन से तारीख की वारदात? किशनगंज थाना। आरोपी वगैरह कौन है, क्या है? 8 तारीख को जमीन। इससे क्या मामला चल रहा है? मेरी भुआर मेरे सदाम नाम का एक लड़का था उससे। अब क्या बोल रहे हैं आपको थाने में? थाने में तो रिपोर्ट करा दी उन्होंने, कोर्ट में भी पेश हो गए, बयान हो गए, वो उठा ही नहीं रहा, 10 दिन होंगे वो धमकी दे रहा था। तब भी धमकाया आपको? हाँ। पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? पुलिस वाले उठा ही नहीं रहे उनको। अच्छा, थाने में गए आप? हाँ। आपने शिकायत दर्ज करी थी? हाँ। टीवी सुनाई नहीं हो रही? नहीं सुनाई नहीं हो रही। कौन थे कि दे भाई मामला हुआ था पूरा? ईदगाह में। कौन थे थाने? कौन थे वो आरोपी? क्या आपके जान पहचान का था? अजमेर के खादिम मोहल्ला निवासी एक विवाहिता ने अपने ही पति पर देश प्रताड़ना सहित मारपीट का आरोप लगाया। मामले में महिला थाने की ओर से मदद नहीं मिलने पर पीड़िता ने SP से लगाई न्याय की गुहार। पीड़िता अलीशा चिश्ती ने अपने पति अरबाज व उसके घर वालों पर मारपीट करने सहित वह उन्होंने एक बार गर्भ में पल रहे बच्चे को भी मार दिया और अभी भी वह गर्भवती है, लेकिन उसके बावजूद उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है। पीड़िता ने मामले में न्याय दिलाने की गुहार लगाई। मैं महिला थाने गई थी अपने पति और ससुराल वालों को मुकदमा दर्ज करने के लिए। वो मेरे साथ मारकूट करते थे, गाली गलौज, तो मैं अंदर बोलते हैं बयान दे रही थी, बाहर आकर देखा तो ये मेरे भाई पे, मेरे ससुराल वाले मेरे भाई पे और मेरी खाला पे बोलते हैं लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, मारकूट कर रहे थे, मेरी खाला का बुरका फाड़ दिया। जब मैं बाहर आई तो इन लोगों ने मुझे भी धक्कम दुक्की दी, धक्कम दुक्की करी, मारा कुटी करी और महिला थाना मेरे साथ सहयोग नहीं कर रहा है, ना मेरे दहेज की रिकवरी कर रहा है। आपको
कहाँ से रहने वाली आप कहाँ की? मैं खादी मोहल्ले से। खादी मोहल्ले जी। किसके साथ शादी हुई थी और क्या मामला है? कब हुई थी शादी? शादी 2018 में हुई थी अरबाजुद्दीन से। जी बोलते काउंटरों तो बहुत बार हुआ है लेकिन वो लोग सही नहीं है, मारते कूटते हैं, दहेज की मांग करते हैं, गाड़ी की घर की मांग करते हैं और मेरा हाथ भी काटा है, मार कूट करी। आपका क्या इरादा है इनके साथ रहने का है? नहीं है जी। नहीं, ये इसका अफेयर भी किसी और लड़की के साथ है, मैंने बहुत बार काउंटरों करने की कोशिश करी लेकिन ये लोग मेरे साथ रहना ही नहीं चाहते, किसी और के साथ संबंध है इस लड़की का, लड़के का। जी हाँ, महिला थाने में कही है, मेरे बच्चे को भी पहले मार दिया, अभी भी मैं प्रेग्नेंट हूँ इस वजह से मैं अपने घर आ गई थी। इनके कहाँ पर आए हैं? जी एसपी ऑफिस। ठीक है, आपका नाम बताइए। अलीशा चश्ती। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonn.com, सच के साथ।